दो टीनेजर्स एक दूसरे के पैर में पड़ते हैं। जब लड़के की डार्क साइड बाहर निकलती है तो सब कुछ प्रॉब्लम आता है। वो लड़की के साथ ऑब्सेस्ड हो चुका था। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी फियर ये 1996 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है निकोल, ये इंट्रोड्यूस होती है। निकोल अपने फादर, अपनी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर के साथ रहती है। निकोल के फादर का नाम है स्टीव और उसके स्टेप ब्रदर का नाम है टोबी। निकोल जब स्कूल जाती है तो उसके फादर नोटिस करते हैं कि निकोल ने क्या पहना है, ये उन्हें पसंद नहीं आया था तो उसे वो टोकते हैं, पर निकोल उनकी बात मानने नहीं वाली। टोबी ये स्टीव का स्टेप सन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं थे, पर आज फर्स्ट टाइम टोबी स्टीव को फादर बुलाता है। स्टीव को भी अच्छा लगता है, वो टोबी को स्कूल तक राइड दे देता है। निकोल स्कूल में अपने फ्रेंड मार्गो से मिलती है। मार्गो को थोड़े टाइम में बाहर में जाना था तो निकोल को भी लेकर आई। एक्चुअल में मार्गो को एक आदमी पसंद आया है, उसे देखने के लिए ही वो गई हुई थी। यहाँ पर हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देख सकते हैं जिसका नाम है डेविड। निकोल जब डेविड को नोटिस करती है तो उसे वो अच्छा लगता है। एक पार्टी होने वाली थी तो इस बार में इस पार्टी के फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। एक फ्लायर डेविड को भी मिला। जब पार्टी का दिन आता है तो मार्गो इसी पार्टी के बारे में निकोल से पूछती है क्या वो उसके साथ चलेगी। निकोल को अपनी फैमिली के साथ आज एक कंसर्ट पर जाना पड़ेगा तो इसके लिए उसे मना कर देती है। बाद में निकोल फिर से अपने फादर से बात करती है, कहती है कि जिस कंसर्ट में हम जाने वाले हैं मैं ऑलरेडी वो देख चुकी हूँ, मुझे फिर से क्यों जाना पड़ेगा। फादर कहते हैं कि तब तुम सिर्फ 5 साल की थी, तुम्हें कुछ याद भी नहीं होगा। निकोल कहती है मुझे सब कुछ चीज़ें याद रहती है, मैं आपकी तरह पास्ट ब्लॉक नहीं करती। निकोल के फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया था, इसी के बारे में यहाँ ये बात हो रही थी। फादर निकोल को समझाते हैं कि एज ए फैमिली हम सब लोग जाएंगे, मजे करेंगे, ये अच्छा दिन होगा। फादर एफर्ट लेना चाहते हैं कि निकोल को भी अच्छा लगता है और इसके लिए वो हाँ कहती है। घर पर स्टीव को अपने ऑफिस से कॉल आया। यहाँ उसे पता चला एक प्रोजेक्ट पर उसे और भी काम करना पड़ेगा। आज जो कंसर्ट पर जाने वाले थे ये कैंसिल हो जाता है। ये बात आकर जब वो फैमिली से कहता है तो सब लोग अपसेट है, क्योंकि हमेशा वो अपने काम में ही लगा रहता है। निकोल भी इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी तो डायरेक्टली मार्गो को कॉल लगाती है, कहती है आज रात हम पार्टी के लिए जाएंगे। रात में पार्टी में पहुंचे और मार्गो को जो आदमी पसंद था उसके साथ बिजी हो गए। यहीं पर निकोल को डेविड अप्रोच करता है, उसे पूछता है कि तुम डांस नहीं कर रहे। निकोल कहती है कि तुम भी तो नहीं कर रहे। इसके बाद एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। अचानक से थोड़ी देर में इस पार्टी को बंद करने के लिए वहां पुलिस आ गए। पुलिस से भागते भागते ये दोनों रूप टॉप पर आते हैं। निकोल मार्गो का वेट कर रही थी और मार्गो एक अलग रास्ते से यहाँ से चली गई। डेविड फिर निकोल को रिवर के पास एक ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आता है। निकोल डेविड की गाड़ी के बारे में बात करती है, कहती है कि गाड़ी तो उन्होंने बनाना बंद कर दिया था क्योंकि एक्सप्लोड करती है। डेविड कहता है इसे सही से बनाया नहीं गया, इसमें इस गाड़ी का कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये ऐसे ही पड़ी हुई थी तो मुझे बुरा लगा। निकोल को डेविड की थिंकिंग अच्छी लगती है। इसके बाद ये अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। निकोल कहती है कि जब मैं 9 ईयर्स की थी तभी मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया था। मेरी मदर हमेशा बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी। वो फिर डेविड को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। डेविड कहता है कि वो जरा दूर रहते हैं पर हमेशा मैं उन्हें कॉल करता रहता हूँ। वो एक परफेक्ट कपल है, उनमें कभी भी किसी सीरियस चीज को लेकर फाइट नहीं होती। निकोल फिर डेविड को देखकर अजीब सा हंसती है तो डेविड उससे पूछता है कि ये क्या था। वो कहती है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे तुम बहुत ही अलग लगे थे, एक्चुअल में तुम बहुत ही स्वीट हो। डेविड भी कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। उसे इतनी अच्छी लगी कि उसे लगता है कि कोई भी चीज़ इतनी सही हो नहीं सकती, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। निकोल भी एडमिट करती है कि मुझ में भी थोड़े से फ्लॉज है जो तुम्हें वक्त के साथ पता चलेंगे। ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को किस कर रहे थे। डेविड निकोल के साथ इंटीमेट होना चाहता था पर निकोल उसे रोक लेती है, वो वेट करना चाहती है। कहती है यही मेरा फॉल्ट है। डेविड कहता है तुम्हारे इस डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और एडमायर भी, उसके लिए वेट करेगा। निकोल को जल्दी घर जाना था
डेविड उसकी वॉच लेकर इसे हाफ आवर पीछे कर देता है। कहता है कि अब तुम्हें टाइम के बारे में वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब वो घर पर आई तो लेट हो चुकी थी। निकोल की स्टेप मदर, जिसका नाम है लॉरा, उस पर बहुत ही गुस्सा थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड थी। निकोल बहाना बनाती है कि उसका वॉच खराब हो गया था। यहाँ पर लॉरा निकोल को एक घटिया चीज बुलाती है। जब स्टीव को ये बात पता चली तो घर के काम करने की उसे सजा देते हैं। निकोल बता देती है कि लॉरा ने मुझे बहुत ही बुरा बोला था। रात में जब स्टीव और लॉरा एक साथ थे तो लॉरा कहती है कि तुमने उसे बहुत ही ज़्यादा छूट देकर रखी है। अगर वो फिर से ऐसा कुछ करती है तो तुम्हें उसे स्ट्रिक्टली कुछ सजा देनी चाहिए। स्टीव कहता है तुमने उसे जो कहा यह भी बहुत ही गलत था। निकोल और डेविड अब एक दूसरे से रेगुलरली मिलने लग जाते हैं। डेविड कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। ये सुनकर निकोल को भी अच्छा लगा। इसके बाद डेविड इन सब से मिला। इनका डॉग भी डेविड को पसंद करता है, सबसे वो अच्छे से बात करता है। लॉरा को गार्डनिंग में हेल्प चाहिए थी तो ये भी करने के लिए वो रेडी है। सबको डेविड बहुत पसंद आता है। इसके बाद स्टीव जब घर पर काम कर रहा था तो वॉशरूम ढूंढते ढूंढते डेविड भी उसके पास आया। स्टीव पूछता है ये लाइफ किस तरह से चल रही है। डेविड कहता है ये लाइफ के बारे में तो मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। इनकी बातचीत चल रही थी तभी यहाँ मार्गो आई। मार्गो डेविड के सामने ही स्टीव से फ्लर्ट करने लगती है। स्टीव से कहती है कभी आपको हमारी पार्टी में आना चाहिए। ये सब देखकर डेविड एंजॉय कर रहा था तो स्टीव को ये सब बहुत ही अजीब लगा। रात में डेविड और निकोल एक रोलर कोस्टर में आते हैं। इस रोलर कोस्टर पे ही डेविड निकोल को प्लीज करता है। जब डेविड स्टीव के रूम में था तो स्टीव का क्लॉक भी उसने हाफ आवर पीछे कर दिया था। इस वजह से स्टीव अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम टाइम पर खत्म नहीं कर पाया। अब ये सही से कंप्लीट करने के लिए उसे सिटी में जाना पड़ेगा। ये कुछ दिनों की बात है तो लॉरा से कहता है तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। लॉरा भी आजकल सब कामों से फ्रस्ट्रेटेड थी तो एक हॉलीडे हो जाएगा, वो भी इसके लिए मान जाती है। अब घर पर निकोल और उसका ब्रदर ये दोनों अकेले ही है। रात में निकोल डेविड को कॉल लगाती है, कहती है मेरे पेरेंट्स एक दो दिन के लिए नहीं आने वाले, अगर तुम चाहो तो रात में घर पर आ सकते हो। डेविड कहता है कि मैं जरा बाहर हूँ तो अभी के अभी नहीं आ सकता, शायद रात में मैं आ पाऊँ। निकोल ने फिर घर के लॉक का कॉम्बिनेशन उसे दे दिया। डेविड रात में निकोल के पास आकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब निकोल स्कूल में थी तो अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। डेविड उसे पिकअप करने के लिए आया, उसे इस बात पर गुस्सा आ गया और वो निकोल के फ्रेंड को बहुत मारता है। निकोल उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे भी वो हर्ट कर देता है। वो उसे रुकने के लिए कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझसे बात मत करो। घर आकर निकोल ने नोटिस किया कि उसकी आंख ब्लैक हो चुकी थी। इसे ठीक करने के लिए वो लॉरा से हेल्प लेती है। लॉरा उसे पूछती है कि हुआ क्या। निकोल कहती है जब बास्केटबॉल की प्रैक्टिस चल रही थी तो बॉल मुझे लग गया। नेक्स्ट डे जब निकोल स्कूल में आए तो उसके लॉकर में डेविड ने एक लेटर छोड़ा था। इसमें लिखा है कि वो बहुत ही सॉरी है, जो भी हुआ उसे बात करना चाहता है। स्कूल के बाद मार्गो के यहाँ उसने उसे बुलाया है। इस चीज को निकोल इग्नोर कर देती है। इसके बाद डेविड ने नेक्स्ट डे निकोल के लिए फूल भेजे जो डायरेक्टली उसने डस्टबिन में डाल दिए। रात में निकोल अपने रूम में रो रही थी तो लॉरा और स्टीव इससे जरा परेशान हो जाते हैं। निकोल से बात करने के लिए लॉरा गए। निकोल ने उसे जो भी हुआ यह सब कुछ बता दिया। बाहर से ही स्टीव यह सब सुन रहा था। वो निकोल से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे आग पर चोट क्या उसी की वजह से आई थी। निकोल कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टीव को लगता है कि निकोल की मदर को उसने छोड़ दिया, इसी वजह से निकोल ये सब चीजें करती है। निकोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास मेरी खुद की लाइफ है जिसे मैं जी रही हूँ। यही बेडरूम में डेविड जब निकोल के साथ इंटीमेट हुआ था तो उसका प्रोटेक्शन पड़ा हुआ था, यह स्टीव नोटिस कर लेता है। स्टीव कहता है कि आज से तुम किसको डेट करोगे किसको नहीं ये सब डिसीजन मेरा होगा। वो निकोल को रात में घर से बाहर जाने में भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। निकोल जब मार्को के घर पर थी तभी डेविड वहां आया। वो उसे सॉरी कहता है, मैंने जो भी किया मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ इसी वजह से किया था, मुझे लगा कि वो लड़का तुम्हें छेड़ रहा है, अगर तुम्हें किसी ने हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, हम दोनों को एक दूसरे की केयर लेनी चाहिए। उसे फिर से सॉरी कहता है। इसके बाद निकोल ने उसे माफ कर दिया। स्टीव जब घर पर पहुंचा तो निकोल और डेविड उसके पूल में थे। इस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था।
लॉरा से इसके बारे में बात करता है तो कहती है, तुमने ही कहा था कि वो घर के बाहर नहीं जा सकते। डेविड फिर से निकोल की लाइफ में है, इस ट्यू को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। उसने फिर डेविड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। उसे पता चला कि डेविड एक ऑर्फन है। मूवी में डेविड ने निकोल को कहा था कि उसकी फैमिली बहुत ही खुश है, ये उसने झूठ कहा था। ये सब बात स्टीव लॉरा से कहता है कि कुछ ना कुछ तो डेविड में गड़बड़ है। लॉरा कहती है कि शायद उसका बचपन हैप्पी नहीं था, इसलिए वो झूठ बोल रहा था। डेविड जब फॉस्टर केयर से निकला तब उसके बाद उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, एक क्रिमिनल की तरह। इसके बाद स्टीव डेविड से बात करता है, कहता है मेरी डॉटर से तुम दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। डेविड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ भी दम नहीं है, भाई तुम जो कह रहे हो ये नहीं हो सकता। जब निकोल को तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम उसके लाइफ में नहीं थे, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, तुम रिलैक्स करो, हम प्रैक्टिकली अब फैमिली ही है। स्टीव इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। स्टीव के जाने के बाद डेविड अपने आप को ही जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद स्टीव एक लॉयर के पास आया था, वो चाहता है कि डेविड और निकोल एक दूसरे से ना मिले, पर इलीगली इम्पॉसिबल है। रात में जब निकोल घर पर आई तो स्टीव से वो बहुत ही गुस्सा है। एक्चुअल में डेविड ने उसे कहा कि स्टीव ने मुझे बहुत मारा, उसने अपने आप को मारा था और झूठ कह दिया था। निकोल अपने फादर से कहती है कि मैंने आपके सब रिस्पेक्ट अब खो दी है। वो गुस्से में ही डेविड के साथ बाहर चली गई। ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो डेविड निकोल से कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निकोल भी कहती है कि हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। डेविड निकोल को इनवाइट कर रहा था कि चलो मेरे घर पर एक पार्टी है, पर निकोल कहती है कि मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा, उसके फादर वरी करेंगे और ये वो नहीं चाहते। निकोल फिर अपने घर तक तो आए पर उसने अपना माइंड चेंज कर दिया, वो डायरेक्टली डेविड के पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि मार्गो को डेविड लेकर जा रहा है, उसे ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो गया। निकोल ये देखकर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई। वो घर आई, उसने अपने फादर को बताया कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मेरी वजह से आपको इतनी सारी तकलीफ हुई है। अब डेविड और निकोल के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है तो फादर को भी अच्छा लगता है। वो फिर निकोल के पास आए, उसे कहते हैं ये जो दर्द तुम महसूस कर रही हो ये पास हो जाएगा। इस दिन जब निकोल स्कूल में थी तो डेविड से कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। डेविड उसे बात करने के लिए फोर्स करता है तो निकोल का फ्रेंड जिसका नाम है गैरी, ये डेविड को रोक लेता है। डेविड भी फिर वहाँ से चला गया। इवनिंग में निकोल की फ्रेंड मार्गो से मिलने के लिए आई, पर निकोल उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। मार्गो उससे पूछती है कि हुआ क्या, निकोल ने जो देखा वो इसके बारे में उसे बता देती है। मार्गो को बहुत ही बुरा लगता है, वो उसे सॉरी कहती है कि मैं बहुत ही ड्रंक थी इस वजह से यह सब हुआ, वो मुझे फोर्स कर रहा था। निकोल ने मार्गो को माफ नहीं किया। मार्गो रोते रोते ही घर चली गई। डेविड भी निकोल के घर के बाहर ही था तो घर जाते जाते उसका वो पीछा करता है, उसे रोक कर पूछता है कि तुमने निकोल से कहा क्या। मार्गो कहती है कि उसे हमारे बारे में पता चल चुका है। वो मार्गो को धमकी देता है, कहता है उसे तुम सही से समझाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रात में डेविड फिर से निकोल के घर पर आया। स्टीव ने डोर खोला तो उससे वो कहता है कि हम दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे आप सबसे सॉरी कहना है। स्टीव उसे अंदर नहीं आने देता। डेविड निकोल से ऑब्सेस्ड हो गया था तो अपनी बॉडी पर टैटू बनवाता है जिसमें लिखा है कि वो सिर्फ निकोल का है हमेशा के लिए। स्कूल में निकोल को उसका फ्रेंड गैरी प्रोटेक्ट करता है तो इससे डेविड को बहुत ही गुस्सा आया था। स्कूल खत्म होने के बाद गैरी जब घर पर जा रहा था तो डेविड उसके पीछे आया। डेविड उसे कहता है मुझे हमेशा अलग अलग फॉस्टर होम में रखा जाता था, मैं वहाँ की वॉल ब्रेक कर वहाँ से हमेशा निकलता आया हूँ, मुझे जो चाहिए होता है उसके बीच में जो भी आता है इसे मैं तोड़ देता हूँ। गैरी इससे डर गया और भागने की कोशिश करता है, डेविड उसे पकड़ कर मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव अपना काम खत्म करके जब पार्किंग में आया तो उसकी गाड़ी को डेविड ने तोड़ डाला था। अब डेविड वायलेंट हो चुका है तो सब फैमिली को वार्न करने के लिए स्टीव उन्हें मैसेज करता है, पर ये सब बाहर थे। निकोल एक शॉपिंग मॉल में थी, जब वो वॉशरूम में आई तभी डेविड उसके पास आ जाता है, उसे कहता है कि हम दोनों में जो है ये बहुत यूनिक है, सब लोग हमें जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं होने नहीं दे सकता। ये कहकर वहाँ से वो चला गया। निकोल बहुत ही ज्यादा डर गई थी, स्टीव बहुत ही वरीड था तो डेविड के घर में पहुंचता है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि डेविड के पास निकोल की कुछ चीजें हैं।
इसमें निकोल के इनर वेयर भी थे, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। डेविड का सब घर वो तहस नहस करने लगता है। थोड़ी देर में डेविड और उसके फ्रेंड घर पर आए। उनके घर का हाल देखकर ये सब गुस्सा हो गए। डेविड का एक फ्रेंड कहता है, जिसने भी ये किया मैं उसे मार डालूंगा। डेविड कहता है कि आज रात हम चलेंगे। रात में निकोल के घर पर मार्गो आती है। वो कहती है कि गैरी की बॉडी उन्हें मिली। वो बहुत ही डर चुकी थी। स्टीव को पता था कि डेविड कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है, तो इसी वजह से पुलिस को कॉल कर वार्न करने की कोशिश करता है, पर उसे वो इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी ही देर में डेविड अपने सब फ्रेंड्स के साथ इन्हें मारने के लिए घर पहुंचा। निकोल का डॉग था जिसकी लाश वो घर में फेंक देते हैं। सब बहुत ही डर गए। उन्होंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर बाहर से डेविड और उसके फ्रेंड्स ने सब टेलीफोन लाइन्स कट कर दी है। स्टीव स्मार्ट था तो उसने घर को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी रखी है। घर की ग्लासेस कोई जल्दी से तोड़ नहीं सकता। सब डोर्स को भी सिक्योरिटी लॉक्ड है। तो निकोल कहती है कि डेविड के पास सिक्योरिटी लॉक का कोड है। स्टीव जल्दी से जाता है और इस डोर को अंदर से पैक कर लेता है। इन्हें कोई स्पॉट ना कर सके, इसलिए घर के लाइट भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। मार्गो, निकोल और उसका ब्रदर ये सब बेडरूम में थे। वहाँ पर कोई ऊपर चढ़कर आ रहा था, तो निकोल उसे भी नीचे गिरा देती है। जो भी लोग घर में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, स्टीव इन सब से निपटता है। इनके घर से बहुत ही दूर एक सिक्योरिटी पोस्ट है। घर में अंधेरा था तो निकोल टॉर्च लेकर सिग्नल दे रही थी। वहाँ का पुलिस नोटिस करता है और देखने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसे हैंडल करने के लिए डेविड वहाँ आया। वो समझ चुका था कि डेविड कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। अब ये पुलिस ऑफिसर सबको अरेस्ट कर रहा था। स्टीव भी बाहर आया, सब चीज़ों के बारे में इस पुलिस ऑफिसर को बता रहा था। तभी अचानक से डेविड के फ्रेंड ने इस पुलिस ऑफिसर को मार डाला। डेविड और उसके फ्रेंड फिर स्टीव पर गन लगाते हैं। कहते हैं कि हमें घर में लेकर चलो। लॉरा भी घर का डोर ओपन कर देती है। निकोल को रियलाइज होता है कि गाड़ी में एक सेल फोन है जहाँ से वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं। इस बेडरूम से सिर्फ उसका ब्रदर निकल सकता है। ब्रदर गाड़ी में पहुंच तो जाता है, पर डेविड के फ्रेंड ने उसे नोटिस किया। उसने गाड़ी पर फायर किया, पर निकोल का ब्रदर गाड़ी स्टार्ट कर उसे कुचल देता है। उसने फिर पुलिस को कॉल किया। ये जो सब कुछ हो रहा था, तभी डेविड ने स्टीव और लॉरा को बांध दिया था। डेविड का फ्रेंड निकोल के घर में घुस गया। वो निकोल के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने वाला था, पर डेविड ने उसे मार डाला। डेविड निकोल को कहता है कि तुम अब अपने फादर को गुड बाय कहो। जब तुम सब चीजों को छोड़ दोगे तब हम एक साथ होंगे। डेविड निकोल के फादर को मारने वाला था, तभी निकोल एक वुडन स्टेक लेकर इससे उस पर वार कर देती है। अब डेविड निकोल को हर्ट करने वाला था। तभी स्टीव उसे पकड़ता है और ऊपर से नीचे गिरा देता है। इससे डेविड की डेथ हो गई। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और सब कुछ ठीक हो गया। निकोल को डेविड तो बहुत अच्छा लगा था, उसे पता नहीं था कि वो कितना बड़ा साइको है। उसके फादर हमेशा से उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर उसने उनका सुना ही नहीं। जब डेविड ने सब लाइंस क्रॉस कर दिए तो इन पर बहुत ही भारी पड़ा। फाइनली स्टीव ने अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट किया। इसी तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।